हेलो अटैकर आर्मी, वेलकम टू अटैकर गेमिंग। तो यार आज की वीडियो कुछ ऐसे होने वाली है भाई, तुम बंदे को देखना लास्ट एनिमी में। पूछो मत क्या होगा लास्ट में, तुम ही देखना। अब गैस करो चिकन होगा या नहीं होगा, अभी कमेंट में जाके बता दो। क्योंकि भाई गेम प्ले ऐसे होने वाला है, कम से कम 14-15 गज की। अब ये बंदा आया था, इसको मैंने कम से कम इसको छोड़ा था मैंने बहुत लो एच पी। अब मैं इसे नॉक भी कर देता हूँ, बस 2-3 शॉट मिलने के हो गया। तो मैंने इसको बस 40 एच पी छोड़ा था। अब मुझे नहीं पता एक एम का डैमेज कम कर दिया या फिर कुछ कम हो गया, क्योंकि भाई मिनी का डैमेज तो अच्छा खासा है अभी भी भाई, बट एक एम का थोड़ा कम हो गया दिखा मुझे लगता है ऐसा। तो ऐसा हुआ मेरे भाई मेरे संग, और भाई एक एम में मेरे को सक्सेस मिल गया था मिनी के साथ। अब मैं रुक लेने वाला था, मेरे को किल चाहिए थे भाई, अच्छे खासे किल निकालना है क्योंकि भाई गेम प्ले बन रहा है। अब ये बंदा मिला, इसने भाई मेरे को बहुत लूज छोड़ा। हाँ बहुत अच्छे खासे मेरे पे फर्स्ट किट थी, अब मैंने फर्स्ट किट लगाई और उसको मारा पहले तो सोचता हूँ भाई एक के में ज़्यादा एमो नहीं है, लेकिन पिस्टल तो गर्म कर दूँगा। तो मुझे पिस्टल तो मार दिया भाई, टाइम लगा बट मार दिया। हम लोग मतलब फ्री है, NM-16 थी मैंने उठाई नहीं, कहीं मेरी भाई तुम नहीं बढ़ रहा है। अब भाई यहाँ पे भी बंदा था, इसे मैंने मार दिया। अब ये ड्रेस जो थी इस बंदे पे, मेरे को ये बहुत झकास लगी भाई। मतलब अब मैं इस बंदे की क्रेडिट ही लूट रहा था, अच्छा लग रहा था, बट मैंने क्रेडिट लूटी नहीं। अब भाई थर्ड स्टोरी पे एक बंदा था भाई, उसकी मैच रही है, मैंने अच्छी लगी जो ड्रेस लास्ट में आके मेरे को कुछ करवा दी भाई। इससे इजीली स्पॉट हो जाएंगे बट हम ग्रास में, बट मैं तुम्हें ये पता है मैं ग्रास में कभी छुपता भी नहीं हूँ। अब इस बंदे से मैंने मार दिया क्योंकि ये किसी और पे हम लगा था, अब मैंने इसको इधर दिया एक की रंग, मतलब एक लिया किल और दूसरा फ्री में आ गया। अब इन दोनों को नॉक करने के बाद भाई मैं बढ़ जाता हूँ आगे किल के पीछे। भाई लूट भी अच्छी खासी चाहिए थी, अब लूट भी ढंग की नहीं थी इस वजह से भाई तुम्हें देखो। और भाई मैं बता दूँ मैं एक भी सीन कट नहीं करता वीडियो में, स्टार्टिंग में थोड़े बहुत कट करे होंगे बट मैं कट नहीं करता, पूरी वीडियो डालता हूँ भाई। मेरे को आ रहे थे बहुत फायरिंग के साउंड, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा बहुत फायरिंग थे भाई। तुम सोचो कहीं थर्ड के पास वो ब्लू हाउस होता है ना लेफ्ट साइड में, वहाँ पे मेरे को लगातार 6-7 बोट मिल गए भाई, अच्छा केड़ी मेंटेन हुआ मेरा, वहाँ अच्छी खासी किल निकले मेरे भाई। तुम भी कहो भाई इतने किल तो मैं भी जाऊँगा वेपन मास्टर करने के लिए। और हाँ भाई अगर आप चाहते हो कि मैं एक वेपन मास्टर की वीडियो बनाऊँ, वही मैं बना दूंगा, एक वीडियो बनाऊंगा और पूरा कवर कर दूँगा मास्टर कैसे करना है। और मेरे पे भाई मैं चिकन मास्टर भी ले चुका हूँ, वेपन मास्टर, डेड आई, शार्प शूटर सब ले रखे भाई मैंने। हाँ बट क्लास टेन वगैरह नहीं है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं प्रो हूँ बट भाई मैं कहूँगा ये कि भाई मैं अच्छा नहीं खेलता। अब मुझे नहीं पता भाई, मैंने बस एक टीम अप करके निकाला था, वो था बस, वो तो ऐसे टीम अप हो गया था, वो ग्रेनेड का था बस। ग्रेनेड का भाई बहुत ईजी था मेरे लिए, क्योंकि भाई टीम अप वाले मतलब उछल रहे थे, मैंने कि चलो भाई टीम अप कर ही रहे हैं तो कर ही लेते हैं। तो भाई अभी एक और बोट आ गया था यहाँ पे, मैं 3x पर जस्ट कर रहा था, उससे लगी नहीं थी, मुझे दिख ही नहीं रहा था। अब मैंने फिर से 6x को करा, भाई दिख ही नहीं रहा था। ओके अब मेरे को दिख रहा था थोड़ा बहुत ढंग से। अब भाई ये बोट तो मरा ही नहीं, मतलब बहुत एंड टाइम पे मरा जब तक एक और बोट आ गया। अब उसको मैंने फिनिश कर दिया क्योंकि भाई वो M4 लेके बैठा था, मैंने उसकी 2 डाल दिया और यहीं पर उसका फेल खत्म। भाई तुम किल फिट पे भी नज़र डाल सकते हो क्योंकि भाई हेड ही बढ़े हैं, मैंने कि सिर्फ 2 हेड और मर जाते हैं लेवल 2 हेलमेट वाले, सिर्फ 2 हेड चाहिए उन्हें और हम गए वहीं पर। अब ये बोट अब जाके मरा मुझसे, भाई ये बहुत मुश्किल से मरा था।
भाई क्या करूँ, किसका किया अभी मेरे बोर्ड, इतने बोर्ड जो मैंने मारे हैं ना, एक रियल प्लेयर तो सामने पेड़ पर फंस गया, इसकी चिट्ठी ये रियल प्लेयर तक फंस गई, और सारे बोर्ड के बोर्ड बोर्ड के बोर्ड मैंने कितने लग रहा है, कितने बोर्ड हो गए, कितने बोर्ड हो गए, अरे मतलब खेल तो नहीं पाऊंगा भाई मैं, हर मैच में 10 मतलब 10 दिन तो निकालता ही हूँ हर मैच में, मैं डायमंड भी हो गया ना एक अच्छी खासी एम्पोर्ट एक्सट हुआ था, हमने बोर्ड देगा और मैंने भी बढ़ दिया। अब भाई तुम दिन ना कितने बोर्ड थे, वैसे मैंने तो गिरे नहीं, पर तुम दिन ना कितने बोर्ड थे। अब इस बोर्ड को मारने के बाद मैं समझ गया था, इस बोर्ड को नॉक करा और पूरा सुन भी कर लेता हूँ, मैं एम इतनी ज़्यादा एम नहीं था भाई, मैं एम फोर को ना सिर्फ लेट के बैठ करता हूँ सिक्स एम सी को, उसमें ज़्यादा ऊपर जाता है वो, ज़्यादातर इसका रिकॉर्ड भी अच्छा नहीं है, कभी कभी ग्लिच हो जाता है मेरे गेम में, बहुत गिरता होगा कभी कभार, मेरे पे मतलब स्ट्रॉक नहीं थे उसके टैक्टिकल वेक्टर, इस वजह से मैं लेट के बैर करता हूँ तक, और जब मिल जाती है तो भाई अच्छा खासा रिकॉयल बन जाता है भाई, अटैचमेंट मेरे को बहुत ही कम था। अब मैं ये इसका मर्डर क्या नाम था इसका मुझे नहीं पता, इस बंदे की ग्रेड टूटता हूँ भाई, वो तो कैसे नाम हुआ तो मुझे इतना पता है। अब भाई थर्डल की साइड से भी साउंड आ रहे थे, और भाई मैं जाता हूँ रश करने, अब मुझे देखती है एक गाड़ी जो कि पानी में डूब जाती है, और मेरे को ये बोर्ड मिल जाता है फ्री साउंड रख के, और ये नॉक हो जाता है, मैं इसे पूरा फिनिश भी कर देता हूँ, फिनिश नहीं करता मतलब अपने आप फिनिश हो जाता है जल्दी से भी हो गया। अब ये उस बोर्ड का किल था या फिर किसी और का किल था, अब मुझे इस वक्त फर्क नहीं पड़ता, कम से कम किल तो मिला। भाई यहाँ पे एक बंदे का मेरे को थोड़ा सा एंगल मिला था, मैंने धर दिया उसकी, तीन चार धर दिए भाई शॉर्ट, बॉडी पड़े थे बट थोड़ा डैमेज नहीं हुआ होगा हिसाब से। अब भाई थर्डल साइड से साउंड नहीं आ रहा, साउंड आ रहा था भाई, देखो भाई कैसे मारते हैं। अब रेस्ट करो, मेरे को भी गाड़ी दिख जाती है भाई, बट मेरे को बंदा नहीं दिखता, ऐसे में बंदे को पास ही जाते हैं भाई। यहाँ पे एक बंदा था जो कि ऑफलाइन था, देखो किसके लिए दिखा होगा, बहुत ईजीली दिखा मेरा 100% लोगों को दिख गया होगा। अब भाई एक बंदा आता है जो इन्वेंट्री लाइन ले जाता है, और भाई इस बंदे ने मेरे को बहुत लो एक छोड़ा, बट हमने भी फ्री फायर देता है भाई, हम भी अगर ये बंदा पहले भी फ्री फायर देता ना, भगवान कदम मेरी क्रेडिट थी उसकी जगह मतलब, बट मैंने पहले फायरिंग शुरू करी। अब इसने M4 से फायर किया था या फिर UMP9 से, इसका कोई लेना देना नहीं, हाँ बट थी पेटी बना दी मैंने, ये मेरे को खुशी हुई भाई। अब मैं थोड़ी बहुत लूट करता हूँ, कुछ है भी नहीं था मेरे पे ढंग से, अरे एक MGM नहीं थी। अब भाई कोई बंदा चला रहा था RPG, वरना तुम खेल फिर देखो हैकर 112 कुछ कुछ करके था, और भाई इसी बंदे ने मेरी पेटी बना दी, अब तुम देखो कैसे RPG वाले ने भाई मेरी क्या ही मतलब, सच में आया था भाई बंदा, इसकी सारी बुलेट मेरे से कनेक्ट हो गई थी सारी की सारी, इसमें कोई मतलब मैजिक बुलेट का हैक लगा रखा था, फिर मैंने बाद में आके स्पेक्टेट भी करा, बट मैंने सीन नहीं लिया, मैंने कट कर दिया सीन। अब भाई मेरे को लग जाती है Level 3 की वेस्ट, और ये बताओ एक स्कारल से और बिल्कुल एडजस्ट नहीं किया हो, मतलब कि 6x पे लगा हो, मतलब 6x पे आया उसने एडजस्ट नहीं किया था भाई, मेरे को उसने यूँ ही उड़ा दिया, मैं वॉल्यूम बढ़ा दूँ थोड़ी उनकी भाई, उसने नहीं रहा ढंग से। अब मुझे एक बोर्ड मिलता है, यहाँ पे भी एक बंदा है इस जगह नहीं, मतलब वो पहाड़ी पे था भाई, उसने मेरी क्या ही बैंड बजाई, तुम ही देखना वो लास्ट सीन में। अब यहाँ पे एक बंदा था जिसको UMP रन चला रहा था, तो मैं समझा यार ये रियल प्लेयर है, ये रियल प्लेयर है, बट ये रियल प्लेयर नहीं था, ये बोर्ड था। अब भाई तुम देखो इस बंदे ने मेरे को मतलब पूरी फुल HP थी, उसने कुछ नहीं छोड़ी, ये नहीं था देखो। अब वहाँ पे एक ऊपर था ब्लैक कलर का, देखा होगा किसी ने आगे से झुंकी, उसने देख ही लिया होगा कौन था। अब भाई तुम देखो 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 देखो, अब मैंने इसको इतना डैमेज दिया फिर भी नहीं मरा, ये कम से कम इसका मैंने कम से कम छोड़ा होगा मतलब 10 HP होगा ये, और फिर भी भाई इसने मेरे को लौट के फायर दिया भाई, वो भी बहुत गंदा वाला, वहीं मर गया मैं, मैंने भाग लिया कि स्पेक्टेड किया, कुछ फायदा ही नहीं था। आओ भाई देखो
मेरा काम तमाम। तो कैसा लगा आज का गेम प्ले, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट।